नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम अजीत। हम देख रहे हैं बीएससी पार्ट वन की फिजिक्स, जिसकी सेकंड यूनिट का आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड इट्स सिग्निफिकेंसेस। तो आज हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखने वाले हैं और उसके सिग्निफिकेंसेस, उसके सिग्निफिकेंसेस से क्या संबंध, क्या मतलब संबंध रखता है कि जो भी यूज है कहाँ कहाँ उसको अप्लाई किया जाता है, किस किस चीज के लिए और क्या क्या उसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम देखने से पहले हम एक चीज जानेंगे जो कि इसमें आया है, शब्द डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस से क्या समझते हैं? डाइवर्जेंस जो वर्ड है वो डिफाइन करता है जैसे कि कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस है, ये इस सरफेस से जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है जो इस पर फैला हुआ है पूरा वेक्टर, वो कितना इसमें एंटर किया और कितना वेक्टर इससे बाहर निकला। या तो इसको वेक्टर मान लो क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। कोई भी क्वांटिटी जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है और जिसमें डायरेक्शन होती है वो अपने आप में वेक्टर हो जाती है। तो वेक्टर जो है कितना यहाँ पे एंटर किया और कितना एग्जिट किया, वही क्या होता है फ्लक्स। फ्लक्स कितना एंटर किया और कितना फ्लक्स एग्जिट किया, तो ये भी है कितना फ्लक्स एग्जिट किया, यानी कि आउटवार्ड, नेट आउटवार्ड, क्या कहेंगे इसको, नेट आउटवार्ड जो अंत में हमको मिला, नेट आउटवार्ड। तो ये जो नेट आउटवार्ड है इसका, इसके एंट्रिंग के बाद जो हमें एग्जिट में मिल रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस। क्या कहलाता है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ फ्लक्स। किसका डाइवर्जेंस है, ये फ्लक्स का। या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, वेक्टर है, फ्लक्स भी क्या है, वेक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस, अगर हम इसको वेक्टर ए मान लें, चलो वो बाद में मानेंगे, हम अभी इसी से समझ लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डाइवर्जेंस को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसका साइन है डेल, डेल साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल साइन का क्या मतलब होता है, इस साइन का अपने आप में मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आई कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, जे कैप प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, के कैप। तो इस डाइवर्जेंस का ये, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल चीजों में होता है डाइवर्जेंस जो होता है, क्योंकि पूरे ओवरऑल सरफेस और उसके एरिया पे ये फैला हुआ होता है कोई भी वेक्टर, और जो वेक्टर आउटवर्ड में हमको मिलता है टोटल उसको हम डाइवर्जेंस से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के साथ इसको लेते हैं। तो ये तो हो गई बात हमारी किसकी, डाइवर्जेंस की, कि डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस क्या है, डाइवर्जेंस है नेट आउटवर्ड वेक्टर फ्रॉम एनी सरफेस। तो ये डाइवर्जेंस हो गया। तो इसमें एक ही चीज थी डाइवर्जेंस, बाकी गॉस थ्योरम ट्वेल्थ में भी पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू ट्वेल्थ क्या होती थी, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम बहुत ही इजी होती थी। क्या होता था इसमें, इसमें क्या होता था, एक सरफेस होता था और उस पर जितना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता था वो होता था, तो एरिया हो जाता था। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई हमारी, जैसे कि ए मान लो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर क्या है, वेक्टर ए मान लिया,
और इस कंपोनेंट का एरिया कितना हो गया। मान लो ये कंपोनेंट है तो इसका एरिया ले लेंगे dx dy, तो सरफेस का a डॉट dx dy ये हो जाता था, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है इसलिए डबल इंटीग्रल होगा, क्योंकि इसमें लंबाई एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, तो दोनों का हो जाएगा हमारा डबल इंटीग्रल। तो ये तो हमारी सिंपल गॉस थ्योरम को रिप्रेजेंट करने का तरीका था, जिसमें कि एरिया से मल्टीप्लाई कर देते थे टोटल जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ हम वेक्टर ले रहे हैं, क्योंकि जिस भी राशि में डायरेक्शन होती है वही हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है सिंपल, तो हम यहाँ वेक्टर ले रहे हैं। बाकी अगर हम जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इतना क्लियर है डाइवर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जेंस को कैसे कैसे लिख सकते हैं और डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एक्चुअल में है क्या। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो प्रूव करना होता है इसमें कि जो सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल जो है ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वही जो भी फील्ड है, जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो भी गुजर रहा है वो किसके इक्वल होगा। सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए, ये चीज होती है थ्योरी में। तो थ्योरी में ये इतनी सी बात है, बाकी हम देखेंगे कि ये डेरिवेशन में क्या है। तो डेरिवेशन में इसको हम क्या कैसे लिखेंगे, डेरिवेशन में सरफेस इंटीग्रल को लिख लेंगे हम, सरफेस इंटीग्रल को वेक्टर ए डॉट डीएस ये आ जाएगा। वेक्टर ए डॉट डीएस चूंकि दोनों पर डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन लगा लो। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा, एक चीज और जान लीजिए, डी एस जो है वो वेक्टर है, जब इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो एकांक वेक्टर डी एस के साथ लिखते हैं, एकांक वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर डॉट डी एस। यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है, इसकी डायरेक्शन दिखा देता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मान ले लेते हैं, इसलिए हम एन कैप डी एस लिख देते हैं और इसका कोई भी अंतर मतलब पड़ता नहीं है इससे। जैसे कि इसको डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, मोड डी एस वेक्टर का, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है डीएस, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एन कैप की वैल्यू वन मान लेते हैं, इस वजह से इसमें कोई डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा इसका, वॉल्यूम इंटीग्रल जानते ही है कि ट्रिपल इंटीग्रल लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, और इसके लिए क्या लिया जाएगा हमारा डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस किसका करेंगे हम, डाइवर्जेंस चूंकि वेक्टर का करेंगे, चूंकि वेक्टर हमारा एंटर हो रहा है और वेक्टर ही हमारा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो हम वेक्टर का डाइवर्जेंस लेंगे। और वेक्टर का डाइवर्जेंस किसके साथ लेंगे, चूंकि वॉल्यूम इंटीग्रल है तो हम किसके साथ ले लेंगे, वॉल्यूम के, ठीक है फ्रेंड्स, वॉल्यूम के साथ हम क्या ले लेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल। ये हमें एक्सप्रेशन प्रूव करना है, ये हमें समझना है कि ये कैसे होता है इक्वल, ये इक्वल कैसे होता है, इतनी सी बात हमें जाननी है। तो सबसे पहले तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सरफेस इंटीग्रल को एस ही लिख लिया तो ये तो एक ही की लिमिट हो गई, दूसरे की नहीं है, चूंकि इसको हम लेंथ और ब्रेथ होता है सरफेस में, सरफेस में होता है लेंथ और विड्थ, तो हम एक को लेंथ ले लेते हैं। लेंथ की जो भी हमारी दे रखी होती है जीरो से लेकर 12 सेंटीमीटर तक दे रखी होगी तो लिमिट हो जाएगी 0 to 12। विड्थ की जो लिमिट दे रखी होगी वो विड्थ की हो जाएगी 4 to 0 to 4 या जो भी है। ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में फ्रेंड्स होता है हमारा एक तो हाइट होती है, दूसरा लेंथ होता है, तीसरा क्या होता है विड्थ मान लो, डेप्थ मान लो,
कुछ भी मान सकते हो इनमें से, लेकिन तीन राशियां हमें लेनी होती हैं वॉल्यूम में। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें एक एक जो इंटीग्रल है वो हाइट के लिए हो गया, एक लेंथ के लिए हो गया, दूसरा जो हो गया वो विड्थ के लिए हो गया। इनकी न्यूमेरिक वैल्यू लगा देंगे 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4 जो भी होगी एक्स वाई जेड। तो हम इसको तीनों को अलग अलग ना लिख के डायरेक्ट वॉल्यूम लिख देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सरफेस लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, हमको ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 3D सरफेस लेंगे, एक सबसे पहले क्या लेंगे, एक सरफेस 3D में। हमने एक क्या ले ली, सरफेस। लेट हम मान लेंगे, क्या मानेंगे हम, लेट एक जो लेट वेक्टर ए एज एज स्प्रीड स्प्रीड ओवर ए सरफेस। ठीक है, तो हमने एक सरफेस ले लिया, सरफेस क्या ले लिया हमने, एस, एस सरफेस है। और एस सरफेस पे क्या है, वेक्टर है, ये वेक्टर ए हमारा क्या है, स्पीड हो रखा है वो इसके ऊपर सरफेस के, क्या हो रखा है हमारा, वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर ए मान लिया हमने। तो वेक्टर ए हो गया, सरफेस एस हो गई, हमने इसमें क्या ले लिया, एक स्मॉल पार्ट ले लिया इसका, हमने क्या ले लिया, एक स्मॉल पार्ट। अब हम क्या लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सरफेस, कितना हो जाएगा, ds, ds हमने ले लिया, क्या ले लिया, ds, यानी कि ds, और ये क्या ले लिया हमने, वेक्टर a, क्या ले लिया हमने, ये वेक्टर a ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, वेक्टर ए ले लिया। तो अब हम जब इसका इंटीग्रल देखेंगे, सरफेस इंटीग्रल, तो क्या आएगा इसका, तो ये छोटे 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 पार्ट होंगे बहुत सारे इसमें, तो बहुत सारे पार्ट होंगे, तो हमारा क्लोज्ड सरफेस है, चूंकि क्लोज्ड सरफेस के अंदर ले रहे हैं, तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कितना हो जाएगा, वेक्टर का ए डॉट कितना हो जाएगा, डी एस, ये हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल, क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल, ये हमारा सरफेस इंटीग्रल हो गया किसी बंद सतह पर, किस पर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल के लिए, हम इसको क्लोज का साइन बना देते हैं डबल इंटीग्रल पे, इसमें कोई कंफ्यूजन हो वाली बात ही नहीं है, सिंपल है ये। तो ये समझ में आ गया कि जो ये वाली साइड है ये कैसे आई, अब जो दूसरा है वॉल्यूम, इसको इसके इक्वल कैसे दिखाना है, इतना आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं कि सरफेस इंटीग्रल का एक्सप्रेशन ये कैसे आता है, ये ऐसे आता है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल देखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक हमने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, एक ले लेंगे हम फ्रेंड्स क्यूब, ये हमने ले लिया, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बना, दोबारा कोशिश कर लेते हैं। एक क्यूब ले लिया, अब ये जो क्यूब है इस पे हमने क्या करा, इसकी हमने ये ले ली डीएक्स, क्योंकि एक बड़े से सरफेस में हमने क्या लिया है, क्यूब लिया है, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल को हमें क्या दिखाना है,
क्योंकि हमें दिखाना है सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए को इक्वल दिखाना है किसके, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए, ये दिखाना है। तो हमने क्या ले लिया, एक सरफेस सरफेस ले लिया बड़ा सा, और इस सरफेस में क्या बहुत सारे हैं ये क्यूब, बहुत सारे क्यूब हैं, इनफाइनाइट क्यूब हैं। कितने क्यूब हैं, इनफाइनाइट क्यूब इस सरफेस में हैं, ये हमने मान लिया। लेट टेकिंग ए सरफेस कितनी एस, लेट देयर आर इनफाइनाइट क्यूब इनसाइड द सरफेस, टोटल वॉल्यूम ऑफ दीज क्यूब्स इक्वल टू कितना हो गया, बी मान लिया हमने, ठीक है। तो ये इस तरह से इतनी चीजें क्लियर कर लीजिए, एक बड़ा सा सरफेस लिया है लेकिन उसमें हम एक क्यूब की स्टडी करेंगे, उसको हमने बड़ा बना लिया है ताकि हमारी स्टडी आसान हो जाए, इसलिए हमने एक बड़ी सी सरफेस ली है उसमें एक क्यूब ले लिया है। चूंकि हम निकालने के वाले हैं सरफेस इंटीग्रल को वेक्टर ए के सापेक्ष में, वॉल्यूम इंटीग्रल के वेक्टर ए के सापेक्ष में, दोनों को इक्वल करके दिखाना है, यही गॉस का थ्योरम है और कुछ नहीं है। तो गॉस का थ्योरम यही प्रूव हो जाएगा, अभी इसी डायग्राम में गॉस का थ्योरम आ जाएगा। बहुत ईजी है ये, कोई टफ नहीं है। अगर हम छोटा छोटा सा सरफेस लें, छोटे से सरफेस में, छोटा सा सरफेस कितना हो गया ds, और छोटे से सरफेस में हम कह लें, छोटे से सरफेस में हम लें ये रहा छोटा सा सरफेस, और स्मॉल सरफेस, और इसमें क्या लें हम छोटा सा क्यूब लें, ये क्यूब है, ये क्या हुआ स्मॉलेस्ट क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम डीवी। ये जब हम लेंगे तो हम ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो सरफेस है जिसपे ये क्यूब है वो छोटा सा सरफेस है, बहुत ज्यादा ये वाला छोटा सा सरफेस जिसका कितना है ds है, तो ये कितना आ जाएगा सरफेस का इंटीग्रल, सरफेस का इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट ds, और वेक्टर ए क्या है इस पे स्पीड है, इस पे पूरे सरफेस पे वेक्टर ए क्या है स्पीड हो रखा है, और ये है किस में बना हुआ, ये थ्री डायमेंशन में बना हुआ है पूरा का पूरा हमारा, ठीक है, एक्स वाई और जेड, तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रल हो गया। और वॉल्यूम इंटीग्रल कितना आ जाएगा dx, ये हो गया हमारा dx हो गया, और हमारा क्या हो जाएगा, ये dx हो गया, और dx के साथ हमारी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी dy, छोटा सा है इसलिए, और पूरे की कितनी हो जाएगी, पूरे का वॉल्यूम भी हो जाएगा। तो वॉल्यूम के लिए हमने इनको मान लिया dx डायरेक्शन में dx, y डायरेक्शन में dy, और z डायरेक्शन में कितना ले लिया हमने dz, कितना ले लिया dz, तो इस तरह से ले लिया। अब चूंकि हम क्या करेंगे, क्योंकि स्मॉल इसमें बहुत सारे क्यूब हैं, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्यूब, छोटे से क्यूब का क्या निकालेंगे हम, छोटे से क्यूब का हम निकालेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल छोटे से क्यूब का कितना हो जाएगा, छोटे से क्यूब का फ्रेंड्स वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए डॉट डीवी, ये छोटे से का हो गया, स्मॉल स्मॉल का हमें इक्वल कर देना है, ठीक है, ये हो गया। और यहां पे डीवी क्या है, क्योंकि डीवी इक्वल टू डीएक्स डीवाई डीजेड, क्या है ये वॉल्यूम है, ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, ये वॉल्यूम है।
ये वॉल्यूम हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप ये बात जो है क्लियर होगी। अब इस डायग्राम की हमें स्टडी करनी है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ गया कि इसका वॉल्यूम ही निकालना है हमें विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए, जो कि इंटीग्रल के साथ लेना है। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे। किसका? इस वाली साइड का फ्लक्स निकालेंगे। ये हमने एस वन ले ली, ये साइड हमने एस टू ले ली। साइड का क्या निकालेंगे हम? फ्लक्स। तो ये वाली हमने क्या ले ली? एस टू। और ये वाली साइड क्या ले ली हमने? एस वन। ये क्या है हमारा? डी सॉरी, ये है हमारा डी जेड। ये हमारी क्या है? डी एक्स। और ये हमारी क्या है? ये वाली, ये है डी वाई। तो एस वन के लिए फ्लक्स कितना होगा? फाई एस वन इक्वल टू कितना फ्लक्स हो जाएगा? वेक्टर का ए डॉट डी वाई डी जेड, ये हो जाएगा हमारा एस वन का जो फ्लक्स हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? एस वन का फ्लक्स हो जाएगा हमारा ए डॉट डी बाई डी जेड, ये हमारा एस वन का फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये भी लिख सकते हैं, फाई वन इक्वल टू वेक्टर ए डी एस वन, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ऐसे ही हमारे टू के लिए कितना हो जाएगा? फाई टू इक्वल टू एस वन एस टू वेक्टर ए डी एस टू, इसके लिए हमारा फ्लक्स ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इस वाली साइड के लिए फ्लक्स ये हो जाएगा और इस वाली साइड के लिए फ्लक्स ये हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए फ्लक्स हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? ऐसे ही हमारे पास कितनी साइड्स होंगी? पूरे सरफेस में कितनी साइड्स होंगी? बहुत सारे क्यूब बने हुए हैं इसमें, बहुत सारे क्यूब, ये मैं बता चुका हूँ, बहुत सारे क्यूब, इनफाइनाइट। कितने क्यूब हैं? फॉर इनफाइनाइट क्यूब्स देयर विल बी इनफाइनाइट फ्लक्स ऑफ इनफाइनाइट साइड्स, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम? फाई वन फाई टू फाई थ्री, फ्लक्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट, यानी कि मेन फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स अब टू डैश कहां तक जाएंगे? ये फाई एन तक। ऐसे ही हमारे ये क्या हो जाएंगे? हमारे सरफेस सरफेस भी कितने बन जाएंगे इसमें? स्मॉल स्मॉल सरफेस, डी एस वन डी एस टू अप टू डेट डी एस एन तक बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएंगे हमारे एन के लिए। तो एन के लिए जब ये बन जाएंगे तो टोटल फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट डी एस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस वन वेक्टर ए डॉट डी एस वन प्लस सरफेस इंटीग्रल एस टू वेक्टर ए डॉट डी एस टू प्लस अप टू डैश कहाँ तक जाएगा? ये सरफेस इंटीग्रल एस एन वेक्टर ए डॉट डी एस एन तक, कहाँ तक जाएगा ये हमारा? ये जाएगा हमारा डी एस एन तक। कहाँ तक जाएगा? डी एस एन तक, यानी कि एन तक हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? नेट फ्लक्स हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट डी एस। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ वेक्टर लगा रहे हैं और इस वाले में जो एस वन एस टू है इनमें वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, ये हमने मैग्नीट्यूड ले लिया है बस, और कोई बात नहीं है। प्लस का एस टू वेक्टर ए डॉट
बी एस टू प्लस का अप टू डैश एस एन वेक्टर ए डॉट डी एस एन। तो ये टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन, क्योंकि वन से लेकर एन तक जा रही है सीरीज हमारी, तो वन से एन तक जब हमारी सीरीज जाती है तो हम क्या लिख सकते हैं हमारा यहाँ पे ए आई इक्वल टू वन से लेके कहाँ तक जा रही है एन तक, हाईएस्ट कहाँ तक है एन तक, तो कितना आ जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रल कितना आ जाएगा वेक्टर ए एस आई आ जाएगा, क्योंकि एस क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, आई की वैल्यू वन से लेके एन तक हो जाएंगी। डॉट कितना हो जाएगा डी एस आई, आई की आई क्यों लगाया हमने इसके साथ, क्योंकि आई जो है हमारा वन से लेके एन तक लिख सकते हैं हम, वन टू थ्री फोर फाइव से कोई भी ले सकते हैं, इसलिए हम आई ले लिया। और आई को हमने समेशन क्यों लगाया, क्योंकि हम आई को बता देते हैं कि आई वन से एन तक जा रहा है, इसलिए समेशन की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई तो अब बहुत ही ईजी है इसको वॉल्यूम इंटीग्रल बनाना, कितना इजी है। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हमें वॉल्यूम बनाना है, मल्टीप्लाइंग एस आई कितना हमें समेशन एस आई वेक्टर ए डॉट डी एस आई, इसको हम मल्टीप्लाइंग कर देंगे वेद बी आई इन नोमेरेटर, कहाँ नोमेरेटर और एंड डेनोमिनेटर दोनों में कर देंगे हम, नोमेरेटर डेनोमिनेटर में हम इस वाले को बी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी आई क्या है यहाँ वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या कर रहा है बैरी आई से लेके एन तक, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम भी हमने क्या लिया है इनफाइनाइट लिया है, क्यों इनफाइनाइट सरफेस में इनफाइनाइट वॉल्यूम होंगे, सिंपल सी बात है इनफाइनाइट सरफेस लिए हमने। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा समेसन आई इक्वल टू वन से लेके एन तक सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट डी एस, और इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे बी आई अपॉन और मल्टीप्लाई कर देंगे बी आई से मल्टीप्लाई बी आई से डिवाइड, दोनों को कैलकुलेट कैंसिल आउट कर देंगे वन हो जाएगा उसका वहका वही रहेगा, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है उससे कोई हमारा फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने वॉल्यूम से ऊपर और नीचे क्या कर दिया इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो फ्लक्स हमारा कितना था टोटल वेक्टर ए डी एस इक्वल टू कितना आया हमारा समेशन आई इक्वल टू वन से लेके एन तक, और कितना आया हमारा बी आई को हम बाहर लिख लेते हैं सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट डी एस, ये कितना है आई और ये कितना आ गया मल्टीपल बी आई, तो हमने बी आई लिख लिया, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो ये डाइवर्जेंस है डाइवर्जेंस क्या है नेट आउटवर्ड ऑफ नेट आउटवर्ड फ्लक्स किसका पर यूनिट वॉल्यूम, भैया एक यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्लक्स जो है पास आउट हो रहा है वही क्या होता है डाइवर्जेंस कहलाता है, वही डाइवर्जेंस कहलाता है। अब उसको फ्लक्स को हमने इसको क्या मान लिया, हमने वेक्टर ए मान लिया है यहाँ पे, जो नेट कहाँ से फ्लक्स कहाँ से पास आउट हो रहा है किस क्षेत्र से वेक्टर क्षेत्र से, तो वेक्टर क्षेत्र से हमारा फ्लक्स पास आउट हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा एस आई ए डॉट डी एस आई
अपॉन बी आई पर यूनिट वॉल्यूम में कितना बन जाता है हमारा, डाइवर्जेंस बन जाता है ये, कि क्या बन जाता है हमारा डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, किसका डाइवर्जेंस हो जाएगा हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, क्योंकि हमने वेक्टर वाला लिया है यहाँ पे, फ्लक्स लेते अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन क्या लेंगे हम, वेक्टर ए लिख लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन में ये यूज होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे वेक्टर ए, क्योंकि हमने उसकी जगह क्या लिया है वेक्टर ए, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वो फ्लक्स लिख गया था गलती से। तो ये बी आई हो गया, तो ये हमारा किसके इक्वल बन जाएगा, ये हमारा डाइवर्जेंस वेक्टर ए के, वेक्टर ए का डाइवर्जेंस कितना है, जितना कि वेक्टर ए सरफेस से क्रॉस, सरफेस पे फैल के क्रॉस हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम से, वही हमारा क्या है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, में कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। एक यूनिट बी की वैल्यू एक रख दो तो ये इसके इक्वल हो जाए डायरेक्ट, यानी कि ए डॉट डी एस ही पूरा पास आउट हो जाएगा, जितना इधर एंटर होगा उतना ही इधर पास हो जाएगा, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, ये समझ में आ गया। अब इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो हमारा मेन एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं इस वाली इक्वेशन से, इसको सॉरी ये समेशन के साथ लेंगे हम, इसके साथ समेशन आई इक्वल टू वन से लेकर एन तक, ये रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा बन जाएगा क्या, ये बन गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, क्या बन गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए बन गया, और किसके साथ बन गया हमारा ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए हमारा ये बन गया किसके वॉल्यूम के साथ, डी वी, बी आई को हमने, क्योंकि बी आई को हमने क्या ले लिया डी वी, स्मॉल का ले लिया हमने, तो डी वी ले लिया हमने, ठीक है, और इसको हमने क्या ले लिया वॉल्यूम में आ गया, तो इसको हमने क्या ले लिया वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। ये जो समेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा इंटीग्रल है वो इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किस में, वॉल्यूम इंटीग्रल में, क्योंकि जो भी यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होता है डिफ्रेंसिएशन होता है उसी के हिसाब से लिमिट लेते हैं हम, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जब हमारा इंटीग्रल होगा तो लिमिट भी हमारी चेंज होकर किसके रेस्पेक्ट में आ जाएंगी, हमारे वॉल्यूम के, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जब लिमिट आएंगी तो हमें ट्रिपल इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा ट्रिपल इंटीग्रल में होता है, सिंपल है, वो समझ में आ गया, यही हमारा क्या है गॉस थ्योरम है, इतनी सी है गॉस थ्योरम, बस हो गई प्रूव। ये हमारा सरफेस एरिया, ये हमारा क्या हो गया सरफेस इंटीग्रल हो गया, और ये हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, दैट्स ऑल, ये है, बाकी ये किताब में बहुत टिपिकल तरीके से दे रखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस क्लोज्ड सरफेस का वेक्टर ए डॉट डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, समेशन आई इक्वल टू एन, सॉरी आई इक्वल टू वन से लेके एन तक, सरफेस इंटीग्रल डी एस आई अपॉन कितना हो जाएगा, बी आई ले लेंगे हम, इसके साथ ले लेंगे बी आई के साथ ले लेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बन गया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, तो ये हमारा हो गया डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए डॉट, क्योंकि डी आई को हम क्या ले लेंगे डी वी, हमने क्या ले लिया डी वी, ये हो गया, और इधर क्या हमारा सरफेस इंटीग्रल ए डॉट, यही हमारा क्या है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सिंपल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक चीज और समझ लीजिए बस,
ये जो डायग्राम है इसमें ये जो क्यूब बन रहे हैं, तो जब हम इसमें दो क्यूब बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, दो क्यूब, तो दो क्यूब जब हम बनाएंगे तो ये जो सरफेस दिख रही है ये सरफेस क्या है, कॉमन कॉमन सरफेस है, ये क्या है, ये है हमारी कॉमन सरफेस बिटवीन टू क्यूब, बिटवीन टू क्यूब, बिटवीन टू एडजेसेंट सरफेस, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं तो एडजेसेंट बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, एडजेसेंट बिटवीन टू एडजेसेंट क्यूब्स। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होता है जो हमारा वो होता है वेक्टर जो होता है, क्योंकि वेक्टर हमारा इस तरह से पूरे में ऑल ओवर वेक्टर है हमारा, ये क्या है वेक्टर ए है, तो जो वेक्टर होता है क्योंकि वेक्टर बिकम्स नेगेटिव व्हेन चेंज इट्स डायरेक्शन, व्हेन चेंज इट्स डायरेक्शन, जब हम किसी वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि ये वेक्टर ए है, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का वेक्टर है, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। तो हम इसलिए हम इसका ये जो सरफेस है, तो ये जो सरफेस है एक बार हम देख लेंगे, ये जो कॉमन सरफेस है इसका क्या रोल है वो देखेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स, कॉमन सरफेस का रोल हम देखने वाले हैं, क्या रोल होता है, तो ये जो कॉमन सरफेस है इसका क्या रोल है, तो जो वेक्टर है, जो वेक्टर है वेक्टर ए, वेक्टर ए, तो जो वेक्टर ए है वो इस सरफेस के लिए, क्योंकि हमारा नेट आउटवर्ड क्या होता है, आउटसाइड, जो हमें फील्ड लेना होता है वेक्टर वाला, वो हमारा नॉर्मल टू द प्लेन होता है। वेक्टर ए क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, तो ये जो है इस पे इधर से आ रहा है और इधर को जा रहा है, तो ये डायग्राम कौन सा है, ये डायग्राम मान लिया हमने S1 और ये मान लिया S2। तो फ्रेंड्स S1 के लिए तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हमने बाहर निकाल कर रख लिया, इस सरफेस पे जो वेक्टर होगा वो S1 के लिए तो ये वाला हो जाएगा, S1 के लिए आउटवर्ड वाला, क्योंकि आउटवर्ड लेते हैं हम, S1 के लिए आउटवर्ड वेक्टर A, और ये सरफेस पे S2 के लिए, क्योंकि S1 डायग्राम इधर था और S2 डायग्राम इधर है, तो S2 के लिए इसकी डायरेक्शन ये होगी वेक्टर A की, S2 के लिए, S2 के लिए वेक्टर A इधर होगा, तो जब ये इतना ही इधर होगा और इतना इक्वल अमाउंट में ये वेक्टर इस वाले डायग्राम के लिए इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड इधर होगी और इस वाले के लिए आउटवर्ड इधर होगी, दोनों इक्वल अपोजिट मैग्नीट्यूड होने के कारण क्या हो जाएंगे, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, जो कॉमन सरफेस है कॉमन सरफेस पे क्या हो जाएगा, कॉमन सरफेस पे हमारा क्या हो जाएगा, नेट हमारा जो वो हो जाएगा वेक्टर
नेट वेक्टर जो हो जाएगा हमारा ए, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, ठीक है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई, ये मेन बात थी। इसको और ऐड कर देना जो डेरिवेशन है तो और भी अच्छा हो जाएगा, वैसे इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम विदा लेते हैं आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।